दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबर खास का वक्त हो चला है। और खबर खास में आज बात उस शख्स की जिसका इंतजार हो रहा है स्वदेश वापसी का। जी हाँ, चलिए पहेलियां बिना बुझाए आपको बताते हैं कि बाबूलाल मरांडी की बात हो रही है। वही बाबूलाल मरांडी जो कभी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभरी जिसके बाद बहुत सारे डोमिसाइल के मामले सामने आए। बीजेपी से वो अलग हुए, अलग पार्टी बना ली और अलग पार्टी बनाने के बाद उन्हें उन्हें लगा कि शायद जो राजनीतिक जमीन, जो सियासी जमीन की तलाश की जा रही थी वो अब यानी कि 2019 में शायद उन्हें वो मिल पाती, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पार्टी चूकी। और अब तमाम कयासों के बीच ये खबर है या चर्चा है या फिर ये कहें कि खबर पक्की है कि अब बाबूलाल की घर वापसी हो सकती है, यानी कि अब वो बीजेपी में वापस लौटेंगे, जिसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता था। जी हाँ, वो अब ए टीम का हिस्सा हो सकती है। लगता है समझे नहीं, बिल्कुल समझे होंगे आप, क्योंकि बात उन्हीं की हो रही है, बाबूलाल मरांडी की। हम झारखंड विकास मोर्चा की बात कर रहे हैं, जिस पर ये आरोप हमेशा से लगता रहा था कि वो बीजेपी की बी टीम है और सब कुछ सही रहा तो जेवीएम का विलय बीजेपी में हो सकता है। कैसे होगा ये, वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में और हम चर्चा भी करेंगे अपने सहयोगी के साथ। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट कि आखिर ये सब संभव कैसे हो सकेगा। झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय, पिछले कई दिनों से इस सवाल पर नानुकुर के बाद बाबूलाल मरांडी के एक इशारे ने सब कुछ साफ कर दिया है। विलय के सवाल पर बाबूलाल मरांडी के मन में बीजेपी की प्राथमिकता के बाद अब औपचारिकता का इंतजार सभी को रहेगा। जेवीएम के बीजेपी में विलय की संवैधानिक स्वीकृति को लेकर तमाम तरह की संभावनाओं पर गौर करना जरूरी है। आखिर पार्टी का संविधान और चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ये कैसे संभव होगा, ये न्यूज 11 के चश्मे से समझिए। बीजेपी में जेवीएम के विलय का रास्ता, जेवीएम के भंग कार्यकारिणी का पुनर्गठन, बाबूलाल मरांडी के स्वदेश वापसी के बाद सबसे पहले होगी जेवीएम कार्यकारिणी की घोषणा। जेवीएम के नए कार्यकारिणी में होंगे 151 पदाधिकारी। नई कार्यकारिणी गठन के तुरंत बाद केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा बीजेपी में विलय का प्रस्ताव। विलय के लिए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की 2/3 बहुमत आवश्यक। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ साथ दल के विधायक और सांसद का 2/3 बहुमत भी अति आवश्यक। जेवीएम में सांसदों की संख्या 0, जेवीएम में विधायकों की संख्या 3, मतलब सबसे पहले जेवीएम के बीजेपी में विलय के लिए कार्यकारिणी के 151 पदाधिकारियों में से 2/3 बहुमत यानी कि 100 का होना आवश्यक। जेवीएम के बीजेपी में विलय के सवाल पर बाबूलाल मरांडी को कार्यकारिणी के 100 पदाधिकारियों का समर्थन मिलना आसान। जेवीएम के 3 विधायकों के 2/3 बहुमत पर पेंच, विलय के समर्थन में 2 विधायकों का होना जरूरी। बाबूलाल मरांडी को छोड़ दोनों विधायकों की आपत्ति के बाद, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की आपत्ति के बाद केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दांव, अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी बयान या रुख के बाद जेवीएम से दोनों विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को बाहर का रास्ता। दोनों विधायकों के जेवीएम से निष्कासन के बाद जेवीएम के बीजेपी में विलय पर मुहर, मतलब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की पहचान विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक के तौर पर। प्रदीप यादव या बंधु तिर्की के दूसरे किसी दल में शामिल होने पर दल बदल का मामला भी लागू।
ये कुछ ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जो जेवीएम अपने पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कर सकती है। हालांकि विलय के सवाल पर अब भी बीजेपी के नेता बच बचाकर ही मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके भारतीय जनता पार्टी में वापसी के जो भी निर्णय होगा वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही प्रदेश नेतृत्व के डिस्कशन के बाद तय करेगा। जेवीएम के बीजेपी में विलय को लेकर बाबूलाल मरांडी के करीबी या पार्टी का कोई दूसरा नेता भी पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो बात शब्दों से बयां नहीं हो रही वो उनके चेहरों पर झलक रही है। बिना कुछ कहे बस इशारों इशारों में राजनीति के इस उलटफेर को समझने की जरूरत है। इस विषय में माननीय बाबूलाल मरांडी जी का ही जो निर्देश अधिकारी तो अब पार्टी के नहीं है, क्योंकि कार्यकारिणी या कार्य समिति भंग है, इसलिए उनका निर्णय ही सर्वोपरि होगा और जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके हर निर्णय को मानने के लिए निश्चित रूप से तैयार। मामला पूरी तरह से झारखंड विकास मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी टिप्पणी करना अभी के समय में उचित नहीं होगा। हर किसी को बाबूलाल मरांडी के स्वदेश वापसी का इंतजार है, हो भी क्यों नहीं। इस वापसी के साथ बाबूलाल मरांडी की राजनीति में घर वापसी होने वाली। बहुत सालों से बीजेपी की भी टीम सुनते सुनते कान पक गए, अब तो बीजेपी की ए टीम की मेजबानी की बारी है। कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। तो इंतजार है कि बाबूलाल जब लौटेंगे विदेश से, जब उनकी स्वदेश वापसी होगी, तो ये जो तमाम अटकलें हैं वो तमाम अटकलें, उन अटकलों पर विराम लगेगा। और साथ ही साथ जिस टीम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था वो अब ए टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाता नजर आने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। अंजनी, बाबूलाल के जिस तरह से बयान आते रहे और उन पर जो आरोप लगते रहे कि भले ही वो अलग रहे हों, भले ही उन्होंने जेवीएम पार्टी बनाई हो, लेकिन वो हमेशा बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही काम करते रहे हैं। अब जब इलेक्शंस खत्म हुए, इलेक्शंस में भी आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही अपना पक्ष रखा हर जगह, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ होती हुई, अब जब बाबूलाल आएंगे तो ये औपचारिक तौर पर ऐलान होगा जिसका सभी को इंतजार है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जेवीएम का विलय होने जा रहा है बीजेपी में। हालांकि संवैधानिक अड़चने हैं, लेकिन उसे भी दूर करने की जो बात हुई है, जिस तरह से हमने रिपोर्ट दिखाई कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको अगर वो फॉलो करते हैं तो उसके बाद बड़ा आसान होगा उनके लिए बीजेपी में विलय करना। देखिए आरती, जो झारखंड विकास मोर्चा जो है अब एक नई पारी की शुरुआत करेगी और उसका उसको लेकर के यदि हम बात करते हैं तो तमाम जो शतरंज की जो चाल है पूरी चाल जो है तैयार कर ली गई है और सिर्फ वक्त का इंतजार है, क्योंकि खरवास अब समाप्त हो गया है और अब बाबूलाल मरांडी अभी विदेश भ्रमण में है तो वो लौटेंगे उसके बाद जो है जो संभावना जो उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे पहले पार्टी की जो नई कार्यकारिणी की जो टीम होगी वो गठित होगी और उस टीम में वैसे लोग होंगे जो यस बोलेंगे और जो दो तिहाई बात कही जा रही है कि दो तिहाई कार्यकारिणी के जो मेंबर होंगे उनका अब समर्थन चाहिए, तो वो तमाम चीजें पहले से तय हैं और जो नई कार्यकारिणी की सिर्फ जो है एक औपचारिक घोषणा होगी और उस घोषणा के बाद जो है लगभग 150 लोग नए सदस्य नए कार्यकारिणी में बनाए जाएंगे। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 140 के आसपास जो है सभी लोग बोलेंगे कि हमें पार्टी में पार्टी का विलय करना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है तय है। तो जो संविधान की जो बात हो रही है और चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है उसकी जो बात हो रही है, तमाम चीजों से बाबूलाल मरांडी वाकिफ है, तमाम चीजों से प्रदीप यादव वाकिफ है, तमाम चीजों से बंधु तिर्की वाकिफ है। तो किन्हें किस चाल पे क्या कौन सा चाल चलना है
सबों को अपनी चाल पता है, बस वक्त का इंतजार है और वक्त जब आ जाएगा। लेकिन अंजनी, अगर 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 बाबूलाल अपना स्टैंड लेते हैं, बाबूलाल अपना स्टैंड लेते हैं कि उन्हें विलय करना है, फिर बंधु और प्रदीप जिनकी बात हो रही है, दो और विधायक हैं उनके, उनका क्या, क्या वो बाबूलाल के साथ जाएंगे? या फिर जिस तरह से बंधु तिर्की के बयान आते रहे, उन्होंने तो साफ तौर पर एक तल्ख लहजे में भी उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी में किसी सूरत में नहीं जाना। हालांकि प्रदीप यादव पर सस्पेंस है कि वो क्या करने वाले, क्योंकि उनका बयान अभी तक कुछ नहीं। हालांकि एक बार उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बाबूलाल और इन दोनों विधायकों को देखें तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है दोनों के बयानों को अगर हम देखें तो। देखिए, ऐसे कि बंधु तिर्की या प्रदीप यादव, तो तमाम लोग आगे क्या करेंगे तय है। देखिए, ये हम लोग जरूर ये श्योर नहीं कर सकते हैं कि कौन कांग्रेस में जाएगा, कौन बीजेपी में जाएगा। देखिए, झारखंड की जो राजनीति है और जो कई घटनाएं घट चुकी हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन किस में जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी की जो राजनीति है वो फायदे की राजनीति होती है। आरती, आप देखिए, जो अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, तो बाबूलाल मरांडी मतलब झारखंड विकास मोर्चा को जो 3 सीटें मिली हैं, उसमें बीजेपी के अगेंस्ट में उन्हें जीत हासिल हुई है। और जो वोटर है, वोटर ने ये समझ कर दिया कि ये अकेले हैं और ये ज्यादा सीटें आएंगी और झारखंड की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है आरती, कि जो वोटर है, वोटर का जो अधिकार है, उस अधिकार इन लोगों ने जरूर प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके अधिकारों का सम्मान जो है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, समझदार नेता रहे हैं, लेकिन वोटरों का जो अधिकार है, जो सम्मान भी उठना लाजमी है, सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि जब चुनाव में गए वो एकला चलो की राह अपनाई, ना उन्होंने बीजेपी का साथ लिया, ना उन्होंने महागठबंधन में अपनी सहभागिता दिखाई, अकेले लड़ा उन्होंने चुनाव। लेकिन अब जब ये बात सामने आ रही है, जब सरकार बनकर आई तो उन्होंने हेमंत सरकार का खुलकर समर्थन भी किया कि सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब जब ये बातें पक्की तौर पर आ रही हैं कि बीजेपी में विलय होना है, तो अब उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। खुलकर आलोचना की जा रही है कि जब इस तरह से पाला बदलना था तो फिर ये जो दिखावा था, क्या ये स्क्रिप्टेड था? ऐसा माना जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, वाकई ये स्क्रिप्टेड था कि इस तरह के सिचुएशंस में इस तरह से मूव ऑन करना है बाबूलाल को? देखिए, ये विधानसभा का जो चुनाव झारखंड विकास मोर्चा जो है, पूरे 81 सीटों पे चुनाव लड़ी है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड विकास मोर्चा के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई कि वो झारखंड के 81 विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्रों में उतारा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 विधानसभा पे चुनाव नहीं लड़ी। आपका ये बीजेपी खुद 81 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ी। आखिर झारखंड विकास मोर्चा के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उन्हें वो 81 विधानसभा में उम्मीदवार उतारे? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के गलियारे में चर्चा है कि ये बीजेपी की बी टीम रही है। तो ये बी टीम है, मतलब अब आप समझ सकते हैं ए और बी टीम के बीच में जो संबंध रहे होंगे, उनका फायदा इन्हें मिला होगा। तो अब तमाम चीजें जो है धीरे धीरे सामने जरूर आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहेंगे आरती, जिस तरह से पूरे भारत में ये घटना घट रही है, जो राजनीति की जो घटना घट रही है, और वोटर जिसको वोट दे रहा है, चुनाव जीत रहे हैं और फिर दूसरे दलों में चले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बात याद आती है कि ये जयप्रकाश नारायण जो एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी आवाज पे जो है पूरा युवा सड़कों पे उतर आए थे, तो उन्होंने एक बार इन चीजों को लेकर एक सवाल उठाया था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। यदि जिस दल से चुनाव लड़े हैं और आप पाला बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, विलय कर रहे हैं, तो वैसे में राइट टू रिकॉल की आवाज अब धीरे धीरे उठने लगी है, क्योंकि वोटर जो है ठगा महसूस करता है।
वोटरों का जो सम्मान है, सम्मान के साथ खेल होता है। आप बीजेपी में जाएं, कांग्रेस में जाएं, किसी भी दल में जाएं, यदि आप बीजेपी के खिलाफ आप चुनाव जीत कर गए हैं और फिर आप सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिलाते हैं, तो ये राइट टू रिकॉल की आवाज भी जो है अब धीरे धीरे उठेगी। देखिए, बाबूलाल मरांडी कद्दावर नेता रहे हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी ने ऐसा क्यों किया। देखिए, 16 साल के बाद जो है बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई है झारखंड विधानसभा में। आज से 16 साल पहले वो चुनाव जीते थे, लेकिन लगातार वो चुनाव हारते गए। लेकिन अब जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में एक नई पारी की शुरुआत होगी। बीजेपी में भी उनके स्वागत के लिए तमाम लोगों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है यदि आएंगे तो स्वागत है। तो एक तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम चीजें तय है, खाली वक्त का इंतजार है। और जो संविधान की बात हो रही है पार्टी के संविधान की, तो तमाम चीजें तय है, कौन किधर जाएगा ये तय है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बन्नू तिर्की का जो मिजाज है वो संभवतः कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव जीतने के बाद जो है लगभग एक सप्ताह वो दिल्ली में रहे थे, तो दिल्ली में आला नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी। ये राजनीति के गलियारों में बहुत चर्चा रही है, तो ये संभवतः ये हो सकता है कि वो जाएंगे। लेकिन जो संविधान की आप बात कर रही है कि दो तिहाई जो है ये होना चाहिए, तो दल बदल का कानून होगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी आएंगे, जिस तरह से अविनाश ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन लोगों को हो सकता है कि अपने पार्टी से निष्कासित कर दे, तो वैसे में ये लोग स्वतंत्र होंगे, मतलब निर्दलीय मतलब विधायक के रूप में विधानसभा में रहेंगे। लेकिन जो समर्थन रहेगा वो ये गठबंधन को समर्थन देते रहेंगे, तो ये राजनीति इस तरह की राजनीति होगी। और अब जो है ये कलवास समाप्त हो रहा है, अब जेवीएम की एक नई शुरुआत होगी, एक वक्त होगा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि झारखंड विकास मोर्चा भी एक पार्टी थी जिसका विलय जो है बीजेपी में हो गया है। चलिए अंजनी, बीजेपी में विलय होना है और बस औपचारिकता भर ऐसा लगता है बाकी हो, क्योंकि खबर पक्की है कि अब जब स्वदेश वापसी होगी बाबूलाल की तो इसका ऐलान भी हो जाए। और खबर खास में आज हम बात कर रहे हैं बाबूलाल की जेवीएम की, जिसके विलय की खबरें अब लगभग पक्की हो चली। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी लगातार जुड़े हुए, उनके पास वापस चलते हैं। अंजनी, अब जिस तरह से अब लगभग खबर पक्की है कि अब जेवीएम का विलय होना ही माना जा रहा है, लेकिन खुलकर अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो कोई भी नेता खुलकर ये इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। हालांकि अर्जुन मुंडा ने ये जरूर कहा है कि उनके आने से, चाहे किसी के भी आने से, पार्टी को फायदा ही होगा और बाबूलाल बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा ही होने वाला है। देखिए, लगभग तमाम जो नेता हैं ये टीवी कैमरे पे भी कई बार इन लोगों ने बयान भी दिया है, और जब आप बीजेपी के ऑफिस जाएंगे और वहां जो भी लोग आ रहे हैं, लगभग तमाम लोगों को ये जानकारी है कि ये होने वाला है। तो खुलकर लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं सभी पार्टी में अपना एक अलग अनुशासन है। लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता है उनका भी बयान आया है कि वो एक पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पार्टी में आते तो स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, बीजेपी इसलिए भी उत्साहित है कि अभी बीजेपी के पास जो है अभी अर्जुन मुंडा केंद्र में चले गए, और अब झारखंड की राजनीति में जो है एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो है वो बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी बाबूलाल के वापसी से बीजेपी के दो फायदे होंगे, एक तो एक बड़ा आदिवासी चेहरा मिलेगा और दूसरा जो है आरती संथाल के लिए एक बड़ा चेहरा होगा। तो एक तीर से दो निशान होंगे, और ये बाबूलाल मरांडी जो है आदिवासियों के बीच में जितना लोकप्रिय है
उतना ही जो है वो जनरल लोगों के बीच में भी लोकप्रिय है, हर समाज और हर धर्म के लोग लोगों के बीच में भी लोकप्रिय है। लोग कहते हैं कि अगर हम देखें, अगर हम बाबूलाल के पर्सपेक्ट से भी देखें, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सियासी जमीन चलासने की कोशिश की कर रहा है जेवीएम, और इसी कड़ी में अब बीजेपी में विलय होने वाला है, तो फायदा सिर्फ बाबूलाल को नहीं होने वाला, फायदा अगर आप देखें तो बहुत बड़े तौर पर बीजेपी को भी होने वाला है, क्योंकि शायद जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, जो उन नतीजों ने बताया है कि जो भी आदिवासी बहुल इलाका है, जो संताल का इलाका है, वहां पर बीजेपी चूक गई है एक चेहरे की वजह से, शायद ये आदिवासी चेहरा, और अगर बाबूलाल आते हैं तो शायद वो चेहरा प्रोजेक्ट कर पाए पार्टी, तो ज्यादा अगर हम देखें तो एक तरफा फायदा नहीं है, ये फायदा दोनों तरफ का है, चाहे आप जेवीएम का कह ले, बाबूलाल का कह ले, या बीजेपी का कह ले। देखिए इसमें जो है जहां बीजेपी को ज्यादा फायदा है और बाबूलाल को जो है का जो भविष्य है वो एक बेहतर भविष्य होगा। देखिए बीजेपी जो ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का अपना एक अलग स्वरूप है, उसकी एक अलग पहचान है, और बाबूलाल मरांडी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे तो कहीं ना कहीं मन में एक जरूर खटकता रहा कि हमें वापसी होनी चाहिए होनी चाहिए, और अब वापसी का इंतजार है। ऐसे में देखिए जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, 28 जो सीटों में यदि आप देखेंगे जो रिजर्व सीट है, तो बीजेपी को काफी लॉस हुआ है, और यही वजह है भारती कि अभी भी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता का चयन जो है इसी वजह से नहीं किया गया है। अब जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, जो संगठन के जो लोग हैं, तमाम लोगों को ये जानकारी है कि बाबूलाल आ रहे हैं, तो बाबूलाल को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और एक अलग जो आदिवासियों के बीच में जो बीजेपी के प्रति जो आक्रोश है उसको पाटने का जो प्रयास होगा वो बाबूलाल मरांडी ही कर सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक ये तय नहीं है, जबकि देखिए खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी से जीते हैं लेकिन बहुत लोकप्रिय चेहरा नहीं है, और तोरपा से कोचे मुंडा जीते हैं लेकिन वो भी लोकप्रिय चेहरा नहीं है, लेकिन पार्टी चाहती है कि एक लंबा भविष्य है, पार्टी को एक लंबी पारी खेलनी है, संथाल को जीतना है, आदिवासियों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं उसे पाटना है, तो उसके लिए एकमात्र चेहरा है बाबूलाल मरांडी, और यही वजह है कि अब वापसी का समय हो रहा है, और कई बार जो है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे बाबूलाल मरांडी की मुलाकात बंद कमरों में हुई है, रांची में, दिल्ली में, तो ये अब लगभग तय है, समय का इंतजार है, अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी का भविष्य होगा और बाबूलाल मरांडी को किस तरह से नई जिम्मेदारी देगी बीजेपी, या स्टेट में रखेगी या फिर सेंटर में भेजेगी, तो ये तमाम चीजें अभी हम लोग अटकलों पे हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद ये लगाई जा रही है आरती कि राज्य की जो कमान है, पार्टी की जो राज्य स्तर की जो कमान है, वो संभवतः बाबूलाल मरांडी को सौंपी जा सकती है, और इसके बाद ही जो है अब खरवास समाप्त हो गया है, तो हमें लगता है 23 तारीख या 30 जनवरी का वक्त होगा, इसी बीच में तमाम चीजें तय होंगी, और बाबूलाल मरांडी का एक अलग व्यक्तित्व जरूर रहा है, नियम से बात करने वाले व्यक्ति रहे हैं, और चाहते हैं झारखंड का विकास हो, तो अब नई पारी की शुरुआत होगी तो उनकी क्या भूमिका होगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुरुआत करने वाले हैं बाबूलाल, और जल्द ही अब ये जो संशय के बादल हैं वो भी छटने वाले हैं, बस इंतजार है उनकी स्वदेश वापसी का, और सिर्फ बाबूलाल ही नहीं बल्कि जब वो लौटेंगे और अगर विलय होता है, वो लौटते हैं, घर वापसी होती है, तो बीजेपी को भी फौरी तौर पर तो बहुत फायदा होने वाला है, और ये जो राहत मिलने वाली है फौरी तौर पर, इसका परिणाम आगे बहुत आगे नजर आने वाला है सूबे की राजनीति में, क्योंकि जिस चेहरे की तलाश है और जिस अनुभव की तलाश है फिलहाल प्रदेश बीजेपी को, वो शायद बाबूलाल के आने से वो तलाश खत्म हो सकेगी बीजेपी की। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर खास में आज हमने बात की कि क्या बाबूलाल की घर वापसी हो रही है, तमाम पहलुओं से आपको अवगत कराया, ऐसे ही सरोकार आप से जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, जो आपके सरोकार के मुद्दे हैं वो हम लेकर आते रहते हैं, और न्यूज 11 भारत हमेशा ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।